हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको गैलेक्टोसीलिया नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके भी बेबी को गैलेक्टोसीलिया नाम की बीमारी है तो उसके बारे में जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें, ठीक है। तो बात करते हैं गैलेक्टोसीलिया। गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोस और सीमिया मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाना, अब ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड। इसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका डेफिशिएंसी होता है, जैसे गैलेक्टोज 1 फॉस्फोटी यूरिडिल ट्रांसक्रेज एंजाइम का डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। बाकी दूसरा एंजाइम होता है गैलेक्टोकाइनेज, जो कि लेस कॉमन है। तो इन दोनों एंजाइम के या इनमें से एक एंजाइम के डेफिशिएंसी से गैलेक्टोसीलिया नाम की बीमारी होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, जैसे मिठाई है, इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, मावा है, आर्टिफिशियल कई मिल्क आते हैं, तो लैक्टोज जिनमें रहेगा जब बॉडी में जाएगा तो वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, उसका पूरा कन्वर्शन नहीं हो पाएगा बॉडी में। तो क्या होगा, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण गैलेक्टोज बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो गैलेक्टोज कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जब एक्सेस गैलेक्टोज बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बढ़ता जाएगा गैलेक्टोज की मात्रा, तो शरीर में शुगर डाउन होने लगता है, हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत सीवियर, ठीक है। और इसके अलावा आदमी को नर्वस टिश्यूज में ये डिपॉजिट होने लगता है गैलेक्टोज, लेंस में जाके कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट करता है, मोतियाबिंद, ये होता है ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, छोटे बच्चों में ये कर देगा ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट, क्योंकि गैलेक्टोज की मात्रा ज्यादा है। फेलियर टू थ्राइव ऑन मिल्क, जब भी दूध लेगा बच्चा उसको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, ठीक है। बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेड मतलब दिमागी तौर पे विकसित ही ना हो, ठीक है, कमजोर हो जाए, तो वो सारी चीजें आएंगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, हिपेटोमेगाली हो जाता है इसमें, है ना, लीवर का साइज बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें, पहचाने कैसे कि भाई ये गैलेक्टोसीमिया ही है या नहीं। तो इसके लिए हम ब्लड में देखेंगे, तो ब्लड में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, ठीक है, तो ये बताता है। उसके अलावा अब हम देखेंगे आरबीसीज में, तो आरबीसीज में इसके एंजाइम डेफिशिएंसी आती है, जैसे डिक्रीज लेवल आएगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फोटी यूरिडिल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हम यूरिन में देख सकते हैं, यूरिन एनालिसिस से भी इसका पता कर सकते हैं, जहां पे शुगर लेवल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखो, अगर कोई भी बीमारी है उसके इलाज की हम बात करें, तो सबसे पहले मैं एक बार यही बताता हूं कि भाई लाइफ स्टाइल है, डाइट है, एक एजुकेशन, ये बीमारी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें। अब जो इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बात करें कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड इसका ये एक फाइनल ट्रीटमेंट बता दो एक वर्ड में, तो वो ये है कि मिल्क और मिल्क से बनी चीजें आपको बिल्कुल बंद करनी है, ये इसका एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, ये तो हर कोई बोल देगा। अब मिल्क और मिल्क से रिलेटेड चीजें बंद कर दोगे तो अब जो उससे डेफिशिएंसी बॉडी में आएगा उसको कैसे ठीक करें, तो ये मेजर टास्क होता है, ठीक है, कि अब जो उसका कमी है, जो मिल्क से कुछ चीजें हमें मिलने वाली थी वो अब बेबी को नहीं मिलेगी, तो उसको कैसे फुलफिल करें, तो वहां से ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मिल्क तो अवॉइड करना ही है, जैसे मिल्क से बनी हुई सारी चीजें दूध से बनी हुई, पर वो चीजें भी दी जाए साथ में जो मिल्क का डेफिशिएंसी भी कवर करे। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।